A very good morning, students. Today we are going to discuss about the mirror formula. Last time हम लोगों ने mirrors के बारे में discuss किया था, ठीक है? दो तरह के mirror होते हैं, that is the concave mirror as well as the convex mirror. So आज हम इन्हीं mirrors के mirror formula के बारे में discuss करेंगे. Mirror formula हमें relation को बताता है किसके बीच का focal length, distance of the image as well as the distance of the object. इन तीनों के बीच के relation को बताता है, ठीक है? तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो सबसे पहला पार्ट हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज द मिरर फार्मूला फॉर द कनकेव मिरर. किसके लिए डिस्कस करेंगे? मिरर फार्मूला फॉर द कनकेव मिरर. अब इसमें भी फर्दर दो पार्ट बनते हैं. फर्स्ट, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड रियल, जब हमारे पास एक रियल इमेज बनती है. एंड सेकेंड पार्ट, व्हेन द इमेजिनरी इमेज इज फॉर्म्ड. क्लियर हुई बात की, ठीक है? तो फर्स्ट पार्ट का हम ट्राई करेंगे आज, दैट इज द व्हेन द रियल इमेज इज फॉर्म्ड. किसके लिए? फॉर द कनकेव मिरर के लिए. सो हियर वी हैव अ कनकेव मिरर. एक हमने कनकेव मिरर कंसीडर किया है. दिस वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस, एज ऑल वी नो दैट, ठीक है? लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था. दिस वन इज कॉल्ड एज अ पोल, ठीक है? एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज द फोकस. क्लियर हुई बात? सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस होती है पोल से लेके यहां तक, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आर से डिनोट करते हैं. फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल. पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है? यू से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है? सपोज करो वी हैव अ ऑब्जेक्ट दैट इज ए बी. हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, क्या होता है? ए और बी ऑब्जेक्ट है. क्लियर होगी बात ये, ठीक है? नाउ हम क्या करेंगे, इसकी इमेज फॉर्मेशन करेंगे. तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हम यहां से क्या करते हैं, एक पैरेलल रेज ड्रॉ करते हैं विच पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. इससे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी. आफ्टर द स्ट्राइकिंग ऑन दिस मिरर, जब ये मिरर पर स्ट्राइक करेगी इट विल रिफ्लेक्ट. क्या हो जाएगी? ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी एंड पास करेगी फ्रॉम द फोकस. फोकस से पास होकर के आगे की तरफ निकल जाएगी. क्लियर हुई बात ये, ठीक है? कहां से? एक पैरेलल रे हमने कंसीडर की ऑफ द ऑब्जेक्ट से. ऑब्जेक्ट की जो मैक्सिमम हाइट है वहां से पैरेलल रे व्हिच इज गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फिर रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से पास करके निकल जाएगी, ठीक है? वी विल कंसीडर वन मोर रे. एक और रे हम कंसीडर करते हैं व्हिच passes from the center of curvature and retrace its path. ठीक है, क्या होगा? ये normally strike करेगी किसके ऊपर? Center of curvature से गई, ठीक है? और यहाँ पे strike की, strike करने के बाद इसी path से ये वापिस आ जाएगी, ठीक है? किसी image को show करने के लिए हमारे पास ये दो rays ही काफी होती है. Otherwise, ठीक है, in case अगर हमें कहीं पे जरूरत पड़ जाती तो हम एक third rays को भी बनाते हैं. That will must be passed from the pole. वो कहां से पास करती है? पोल से पास करती है. After passing from the pole, it will goes like this. ठीक है? Otherwise, हमें maximum दो ही rays जो है काफी है किसी भी इमेज को ड्रॉ करने के लिए. कौन सी? एक parallel rays, ठीक है? और दूसरी जो है वो कौन सी rays होगी? Which is passing from the center of curvature. इन्हीं दो से हमारे पास इमेज जो है formed हो जाती है. अब यहां पे देखो, when we draw this rays, we see that all these rays after the reflections will meet at a particular point. ये तीनों की तीनों rays अगर आप लोग देखोगे, ये वाली rays और ये pole से जाती हुई rays और ये center of curvature से जाती हुई rays एक particular point को फिर मिल रही है. जहां पर ये मिलेंगी तीनों की तीनों, ठीक है, they will form the image. क्या बनाएंगी? ये image बनाएंगी. अच्छा, क्लियर हुई बात? ये क्या बना है यहाँ पे? हमारे पास इमेज बनी, तो इस इमेज को मैं नाम दे देता हूं क्या? यहाँ पे ए प्राइम और ये बन जाएगा मेरे पास इसकी बी प्राइम. क्लियर हुई बात ये? तो इन दैट वे वी कैन फॉर्म द इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. ये मेरे पास ऑब्जेक्ट था, आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ द मिरर. कौन से मिरर? कनकेव मिरर पर रिफ्लेक्शन होने के बाद इसकी इमेज यहाँ पे बन रही है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखोगे दिस इमेज इज इन्वर्टेड, यानी कि जो आपकी ऑब्जेक्ट था ऊपर की तरफ और ये उससे नीचे बन रही है. तो दैट इज अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है? तो यहाँ पे हम इसी के लिए सॉल्यूशन कर रहे हैं मिरर फॉर्मूला, क्या? व्हेन द रियल इमेज इज फॉर्म. क्लियर हुई बात ये? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आप, वी हैव द टू काइंड ऑफ द ट्राइंगल, टू के फोर काइंड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है? देखो यहाँ पे ए बी सी,
द ट्राइंगल, ठीक है, हमारे पास ट्राइंगल कौन कौन सी है, ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल बनी है यहाँ पे, ठीक है, और दूसरी ए प्राइम बी प्राइम और सी, एंड ट्राइंगल ए प्राइम बी प्राइम और सी, ठीक है, बोथ दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल, कैसी है ये ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल्स है ये, ठीक है, जब ये सिमिलर ट्राइंगल्स है दैट देयर रेशियोज कैन बी रिटन इन द फॉर्म, ठीक है, इनकी रेशियो जो है, सॉरी साइड जो है कैन बी रिटन इन द रेशियो, किस रेशियो में लिखते हैं हम इसको, ए प्राइम बी प्राइम अपॉन, अगर हम यहाँ पे क्या लिया, ए प्राइम बी प्राइम लिए यहाँ पे, ठीक है, ए प्राइम बी प्राइम लिए यहाँ पे, ठीक है, अब तो यहाँ पे जब ए प्राइम बी प्राइम हुआ है तो किसी की ही ऑब्जेक्ट का भी उतनी ही हाइट की जाएगी, ऑब्जेक्ट की हाइट किस रेशियो के साथ ही हम इसको कोऑर्डिनेट करते हैं, समझ बात है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने लोअर क्लासेज में सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया है, अगर एक साइड हम इसकी ले रहे हैं, इस ट्राइंगल की ले रहे हैं, तो ये ट्राइंगल भी क्या है, सिमिलर तो है ही, एक ही ट्राइंगल बन रही है ए बी सी, और एक ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम, वही ट्राइंगल बन रही है, ठीक है, दूसरी और किसके साथ लिखेंगे, इसके साथ देखो, अगर यहाँ पे हमने ए प्राइम बी प्राइम पहले लिखा था तो उसी की ही एडजेसेंट साइड को हम उसके साथ लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे ए प्राइम सी अपॉन, यहां से ए सी लिखा जाएगा, ए सी लिखा जाएगा, गिव दैट इक्वेशन नंबर वन, ठीक है, तो इन दो ट्राइंगल को एसेस करके हमने एक इक्वेशन बना ली, दिस वन, नाउ इन द सिमिलर मैनर अगर हम देखते हैं यहाँ पे ए बी पी, एक ट्राइंगल ये बन रही है, ठीक है, नाउ ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल कौन सी, ए प्राइम बी प्राइम पी, ए प्राइम बी प्राइम पी, ये भी तो है सिमिलर ट्राइंगल्स बन रही है, ये ट्राइंगल्स भी कैसी आ रही है हमारे पास, सिमिलर सी आ रही है, ठीक है, जो ये सिमिलर ट्राइंगल्स आई है तो इनकी भी रेशियो हम इस फॉर्म में लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे इसको, ए प्राइम बी प्राइम अपोन ए बी, सेम यही रेशियो जैसे यहाँ पे लिखी, इसकी हाइट ली फिर डिवाइड कर दी इसके हाइट से, अब इसकी साइड ली जाएगी नीचे वाली एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, दैट विल बी द ए प्राइम बी अपोन, कौन सी आ जाएगी, ए प्राइम बी आ गया, फिर ए से लेके पी तक की वैल्यू लिखी जाएगी, क्लियर हुई बात है, give that equation number 2, in that way we have accessed the 4 triangles, हमने 4 triangles को assess किया और देखा यहाँ पे हमारे पास जो 2 equations बन गए इन triangles को assess करने के बाद, clear हुई बात, now we can equate the equation 1 and 2, देखो left hand side दोनों की दोनों कैसी है, बराबरी तो है left hand side, ठीक है, by equating equation 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर दो तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे मेरे पास बनेगा a प्राइम b अपॉन ab, सॉरी नॉट b इट्स अ p, p विल बी इक्वल टू द इसकी लेफ्ट हैंड साइड कितनी बन रही है, ये बन रही है मेरे पास a प्राइम c अपॉन ac, अब यहाँ पे हम लोगों ने इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दिया है, इक्वेट करने के बाद अब हमें इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, ठीक है, इसकी वैल्यू ए पी की वैल्यू देखो है हमारे पास यहाँ पे ए से लेके पी तक की वैल्यू, अरे पड़ी है ये है क्या ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है कहां से कहां तक, पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट तक, तो इसको हमने किससे मेंशन किया है, भाई यू से मेंशन किया है, ठीक है, तो ए बी ए पी की वैल्यू हमारे पास है, ए प्राइम पी की भी वैल्यू है, ठीक है, ए प्राइम पी है इमेज, तो इस इमेज की डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं जिससे वी से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है, ये इमेज की डिस्टेंस आई इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जिससे वी से डिनोट करते हैं, ये बात होगी क्लियर सभी को, ठीक है, लेकिन ए प्राइम सी की वैल्यू नहीं है मेरे पास, अरे ए प्राइम सी की वैल्यू है मेरे पास, नहीं है मेरे पास ए प्राइम सी की वैल्यू, ठीक है, तो इस वैल्यू को मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखो कैसे करेंगे कैलकुलेट इसको, so I can calculate it as a prime c is nothing but क्या है ये p से लेके c तक की वैल्यू मेरे पास है, ठीक है, p c मेरे पास गिवन है, ठीक है, माइनस कर दिए किसको, a p से a प्राइम तक की वैल्यू को माइनस कर दिया, तो इसमें बीच वाली वैल्यू दे दी मेरे पास, ये बात समझाई, p से लेके c तक की वैल्यू मेरे पास है और p से लेके a प्राइम तक की वैल्यू मेरे पास है, ठीक है, तो बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू को माइनस कर दिया तो बीच वाला पोर्शन मेरे को वैल्यू दे देगा, समझ रही बात ये, ठीक है, तो मेरे पास ए प्राइम सी की वैल्यू आएगी, तो ये बन जाएगा पी सी माइनस ऑफ पी ए प्राइम, क्लियर हुई बात, उसी तरह से ए सी की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, ए सी की वैल्यू देखो कितनी बन जाएगी,
ये वैल्यू चाहिए मेरे को ए सी, तो पी से लेके ए तक की वैल्यू मेरे पास गिवन है, पी से लेके ए तक की वैल्यू गिवन है, माइनस कर दिए किसको, पी से लेके सी तक की वैल्यू को, ठीक है, पी से लेके सी तक की वैल्यू को, तो ये बन गए हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज। अब सारी सारी वैल्यूज उठाते हैं इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, a प्राइम p अपॉन a p विल बी इक्वल टू द a प्राइम c की जगह क्या लिखूंगा मैं, p c माइनस ऑफ p a प्राइम अपॉन कितना बनेगा, p a माइनस ऑफ p c, ठीक है। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए इन सभी इक्वेशन को असेस करने के बाद। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ दिस कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ठीक है, ये जितनी भी डायग्राम हमने ड्रॉ किया है इसी के बेस पर हम इन सारी सारी वैल्यूज जो है इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात ध्यान में लाना चाहता हूँ, क्या कि जब हम डिस्टेंसेस नोट करते हैं लेफ्ट साइड अगर जाते हैं तो नेगेटिव होगी, राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव होगी, ठीक है, अप साइड जाएंगे तो पॉजिटिव, डाउन साइड जाएंगे तो नेगेटिव, इन चीजों को याद रखनी है हमने, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज को डालते हैं, देखो यहाँ पे ए से लेके ए प्राइम टू पी प्राइम क्या है ये इमेज है, तो पोल से लेके इमेज तक की डिस्टेंस को हम किससे लिखेंगे, वी से लिखेंगे, ठीक है, ए प्राइम पी, बी कितना आएगा, नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, देखो पोल के लेफ्ट साइड से नोट कर रहे हैं हम, ठीक है, लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे नोट करते हुए, तो बी विल कम्स आउट टू बी व्हाट, नेगेटिव ऑफ बी। उसी तरह से ए पी की वैल्यू कितनी आएगी, पी से लेके ए तक की वैल्यू किससे नोट कर रहे हैं, यू से, यू इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये भी क्या आएगा हमारे पास, अरे नेगेटिव ही तो आया, क्यों, अरे डिस्टेंसेस सारे लेफ्ट साइड पे नोट कर रहे हैं हम लोग, समझ आई बात ये, ठीक है। पी सी की वैल्यू बताओ, पी सी, पी से लेके सी तक की वैल्यू है क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये भी आएगा माइनस ऑफ आर, ठीक है, पी ए प्राइम, पी ए प्राइम बिकम्स ऑफ टू बी, पी ए प्राइम क्या है ये है हमारे पास इमेज की डिस्टेंस, तो इमेज की डिस्टेंस कितनी बनेगी हमारे पास, माइनस ऑफ वी, ठीक है। फिर पी ए, पी ए क्या है हमारे पास, पी ए या ए पी ए की बात है, पी ए ए पी ए की बात लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, पी ए या ए पी एक ही चीज लिख रहे हैं, अब इसकी वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है, और पी सी, पी सी की वैल्यू माइनस ऑफ आर। अब सारी की सारी वैल्यूज को लेते हैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ए प्राइम पी की वैल्यू देखो कितनी थी हमारे पास, ए प्राइम पी इज नोटेड बाय व्हाट, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, किसकी डिस्टेंस थी, इमेज की डिस्टेंस थी, क्लियर हुई बात है सारी की सारी, ठीक है, होल्ड ऑन। अच्छा सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, यहां गई हमारे पास वैल्यू, यहां तक क्लियर हो गया, अब सारी वैल्यूज उठाओ इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, ए प्राइम पी की वैल्यू देखो कितनी है, ए प्राइम पी की वैल्यू इमेज है माइनस ऑफ बी, ठीक है, अपॉन ए पी की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ यू इज इक्वल टू बट पी सी, पी से लेके सी तक की सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, माइनस ऑफ आर, माइनस ऑफ ए प्राइम पी, ए प्राइम पी यही है, एक ही बात है ना, कोऑर्डिनेट्स आगे पीछे लिखे हैं, माइनस ऑफ वी डिवाइडेड बाय, ठीक है, पी ए, पी ए यहाँ पे बन गई हमारे पास वैल्यू माइनस ऑफ यू, ठीक है, माइनस ऑफ पी सी, पी सी की वैल्यू माइनस ऑफ आर, ठीक है, अरेंज करो इसको, माइनस से माइनस यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ बचेगा बी अपॉन यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर प्लस ऑफ वी अपॉन माइनस ऑफ यू प्लस ऑफ आर, यहां तक ये बात क्लियर होगी सारी। अब इसको रीअरेंज कर लो, ठीक है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज बी इंटू माइनस ऑफ यू प्लस ऑफ आर इज इक्वल टू यू माइनस ऑफ आर प्लस ऑफ वी, क्लियर बात है, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ बी इंटू यू प्लस ऑफ बी इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू इंटू कैपिटल आर प्लस ऑफ बी इंटू यू, क्लियर बात है। अब देखो यहां पे क्या हुआ, इसको अरेंज करते हैं इक्वेशंस को, ठीक है, बी प्लस यू, बी प्लस यू यहां पे भी आ रहा है, उस तरफ भी आ रहा है, तो एक काम करते हैं इसको उठा के इस तरफ पे जाते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज बी आर, ठीक है, और इसको उठा के इस तरफ पे तो प्लस हो जाएगा यू आर, यहाँ पे बी प्लस यू ऑलरेडी पड़ा था और इसको उठा के इस तरफ लेके प्लस हो गया बी इंटू यू, ठीक है। तो यहां पे देखो अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, आर इज अ कॉमन क्वांटिटी, दोनों में कॉमन आ जा रहा है, तो आर को कॉमन निकालूंगा, अंदर बच जाएगा मेरे पास, ये इसको ऐसा चिरा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है,
देखो यहाँ पे, तो ये मेरे पास बन जाएगा बी इंटू आर प्लस यू इंटू आर इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ बी इंटू यू बन गया यहाँ पे। ये बात समझ आ गई सारी की सारी, सभी को क्लियर हो गई ये बात है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे, नाउ वी विल डिवाइड ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, बी इंटू यू इंटू आर, इन सारे क्वांटिटी से इनको डिवाइड कर देंगे, तो अल्टीमेटली वी विल गेट, हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, दैट इज बी आर अपॉन, क्या बनेगा, बी इंटू यू इंटू आर प्लस ओ यू आर अपॉन बी इंटू यू इंटू आर इज इक्वल टू टू इंटू बी इंटू यू अपॉन, कितना बन जाएगा यहाँ पे, बी इंटू यू इंटू आर। क्लियर हुई बात ये? अब देखो क्या कटेगा, वी आर कट गया, वी आर कट गया, ठीक है, यू आर कट गया, यू आर कट गया, बी यू कट गया, बी यू कट गया, तो अल्टीमेटली वी हैव हियर, क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, क्या बना यहाँ पे, देखो वन अपॉन यू यहाँ पे बचा, वन अपॉन यू प्लस यहाँ पे आएगा हमारे पास व्हाट, वन अपॉन बी बना यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास टू अपॉन आर, कितना बन गया हमारे पास ये टू अपॉन आर, ठीक है, कितना आ गया हमारे पास ये टू अपॉन आर बन गया यहाँ पे। अब इसको हम अरेंज करते हैं, देखो क्या सिंस जो हमारे पास ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ये एग्जैक्टली डबल टाइम्स होता है किसका, फोकल लेंथ का डबल टाइम होता है, ठीक है, क्या होता है, सिंस सिंस F is nothing but it is the R by 2. F क्या होता है R by 2, यानी कि 2 R का हाफ हो तो F के बराबर होता है, तो यहाँ पे R की वैल्यू कितनी बन जाएगी मेरे पास, यहाँ पे देखो R will come out to be कितना बन जाएगा 2 times of F, इसकी वैल्यू को उठाओ इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 1 upon U plus 1 upon B is equal to 2 upon 2 times of what, F 2 से 2 कट जाएगा, सो 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, दैट इज द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर, विच इज कॉल्ड द मिरर फार्मूला, इसी को हम क्या बोलते हैं, मिरर फार्मूला बोला जाता है। क्लियर होगी बात सारी की सारी, कैसे हमने इसकी डेरिवेशन की, ठीक है, किस तरीके से हमने अल्टीमेटली इसका रिजल्ट फाइंड आउट कर, समझाई बात की सारी, ठीक है, ओके। इसी के साथ आ जाता है लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है, ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट इट इज द रेशियो, किसका रेशियो होता है, द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड टू दैट ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्वियस ही बात है, अगर मेरे पास ये पेन है, ठीक है, और यहां पे मैं एक मिरर का यूज कर रहा हूं, तो पेन की हाइट के कंपैरिजन में मिरर में या उस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी आ रही है, मतलब कितना ज्यादा उसको मैग्निफाई कर रहा है, ठीक है, या तो उसको एनलार्ज कर रहा है या उसको छोटा कर दे रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशंस, ठीक है, इसको आप किस तरह से करते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू दैट ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, H2 is the height of the image, H1 is the height of the object. यहाँ पे देखो हमने मेंशन किया यहाँ पे H1 represent for the height of the image और यहाँ पे H2 for the height of the image. Sorry, यहाँ पे height of the object and this one is the height of the image. Clear हो गई बात की सारी? ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं कि linear magnification कितनी होती है when the real image is formed for the concave mirror. ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कैसे calculate करेंगे. देखो यहाँ पे since H2 H2 कौन सी हम करेंगे, इसको ट्रायंगल्स को लेते हैं, कौन सी ट्रायंगल लेंगे, H1 देखो किसने आ गई, ए बी पी ट्रायंगल लेंगे, ए बी पी ट्रायंगल चूज की एंड ट्रायंगल ए प्राइम बी प्राइम पी ट्रायंगल चूज की। क्लियर हुई बात है? ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स कैसी हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स, तो इनकी साइड जो है इस रेशियो में लिखी जा सकती है, ए प्राइम बी प्राइम अपॉन बट ए बी कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए प्राइम बी प्राइम अपॉन ए बी, फिर ए प्राइम पी या पी ए प्राइम अपॉन पी ए, ऐसे लिखता हूं मैं। अब यहां पे मुझे इसकी लीनियर मैग्निफिकेशन बतानी है कि लीनियर मैग्निफिकेशन होगी कितनी, कितनी एनलार्ज इमेज को वो बनाएगा या कितनी डिमिनिश इमेज को बनाएगा
विद द एक्चुअल इमेज, ठीक है, एक्चुअल इमेज को रिस्पेक्ट में रखते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए प्राइम बी प्राइम, इसकी हाइट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है भाई, ए प्राइम बी प्राइम को, सॉरी दिस वन ए प्राइम बी प्राइम, इसकी हाइट को एक्चुअल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, क्या प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ हम हाइट को मेजर कर रहे हैं, मतलब पोल से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हाइट जो भी वैल्यू ली जाएगी दैट विल बी टेकन एज अ नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ एच टू अपॉन, अब यहाँ पे देखो एच वन ऊपर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव साइड में जा रहा है, तो इसको हम लिखेंगे एच वन इज इक्वल टू पी ए प्राइम, पी से लेके ए प्राइम तक की डिस्टेंस कितनी होगी, अरे भाई बी क्या है, इमेज है ये, इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी बी, तो कैसे लिखूंगा इसको, माइनस ऑफ बी अपॉन पी ए, पी से लेके ए तक की डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तो कितनी डिस्टेंस बनेगी ऑब्जेक्ट की, माइनस ऑफ यू, माइनस साइन क्यों ली, तो पोल्स के लेफ्ट साइड हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये सारी की सारी वैल्यू कैंसिल आउट, तो एच टू अपॉन एच वन कम्स आउट टू बी बी अपॉन यू, सो द लीनियर मैग्निफिकेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज एच टू अपॉन एच वन विच इज फर्दर इक्वल टू द बी अपॉन यू विच इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द कंकेव मिरर व्हेन द इमेज इज रियल, कैसी बनेगी इमेज, रियल इमेज बनेगी, तो उस टाइम की लीनियर मैग्निफिकेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगी, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज टू दैट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, पोल से उसकी डिस्टेंस कितनी है, क्लियर होगी बात सारी ये, थैंक यू ऑल।